गाइस, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट उठे, मैं थोड़ा लेट उठा था, फिर बेड पर ही था तो बेड पे मैंने देखा तो ना, मैं मतलब जो मैं जैसे बोल रहा था थोड़े दिनों से, मैं प्लान कर रहा था कि मैं कहीं राइड पर जाऊं, तो यार राइड के लिए ना मेरे पास जो है वो सफिशियंट कार नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे कार तो कोई भी कहीं भी चले जाती है, तो मैं दो तीन दिन से प्लान कर रहा था। एक तो मेरे पास सेडान है जो मैं ड्राइव करता हूँ, वो अमेज है, जो आपने देखी होगी व्लॉग्स में भी। बाकी एक मेरे पे स्कॉड ऑक्टेविया, वो भी सेडान में आती है। उसके बाद जो है अपने पे एक एक्सयूवी भी है, बट मैं सोच रहा था कि अब मैं कहीं एक नई गाड़ी पे स्विच करूं, तो उसके लिए अब जो मेरा मन था, जो मेरी मन से फेवरेट है, जहां मैं आज जाऊंगा और उसको देख के मेरा दिल टूटेगा क्या, दिल चलेगा भी, वो तो मैं आपको वहीं जाके रिवील करूंगा। बट मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ी एसयूवी, तो नहीं कह सकते एसयूवी अपने पास खड़ी है, एक जो एसयूवी मैं लेने की सोच रहा था वो तो कंपनी धोखा देगी, वो ऑब्वियसली लोगों को पता होगा, वो एंडेवर है। मैं एंडेवर सोची थी, मैंने प्लान करी थी, मैंने सोचा था कि वो मैं दिवाली पर लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन, बट वो मैं ला नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही फोर्ड ही हमारा साथ छोड़ गया। तो उसके बाद अब सीधा मोटिव पे आते हैं, टॉपिक पे सीधा, इतना बात घुमा फिर आगे नहीं करते। तो हुआ क्या, मैं सवेरे देखा तो मैंने एक गाड़ी देखी, मतलब XUV 700, मतलब मेरे को थोड़ी आई कैचिंग सी लगी, उसके थोड़े फीचर्स से लगे, और उसके जो विलार वाले जो उसके हैंडल्स उन्होंने दिए हैं वो चीज़ तो अलग है, बट जो मेरे को चीज़ लगी, मतलब देख तो मैं उस गाड़ी को पहले से भी रहा था, लॉन्च हुई थी वो भी, तब भी देखी थी, बट आज मैंने सोचा यार कि अब जैसे पहले तो मेरा मतलब वो सेकंड मतलब ऑप्शंस में भी नहीं थी, वो तो मिल गई क्योंकि पहले मैं मेरा माइंड सेट था कि मैंने लेनी है तो एंडेवर ही लेनी है, बट एंडेवर हमें धोखा देके चली गई। तो मैंने सोचा आज यार सवेरे अभी वो देखा टेस्ट ड्राइव के लिए, यहाँ पे महिंद्रा के शोरूम पे फोन किया, कह रहे सर आप अभी आ जाओ एक बजे से पहले पहले, तो मैं आपको ड्राइव दे देती हूँ, किसी लड़की से बात हुई है, वहां जाकर उनसे बात करते हैं, तो चलते हैं वहां पर और टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर आपको आएगा सीन बताते हैं। ये जैसे आप देख रहे होगे, मैं फाइनली आ चुका हूँ महिंद्रा के बाहर, और पता है महिंद्रा के बाहर मैं क्यों नहीं आना चाहता, मेरा दिल टूटता है। पीछे आप गाड़ी देख रहे हो, थार, भाई बहुत फेवरेट कार है घर वालों के, आगे इसके लिए रो लिए, मर लिया, सब कुछ कर लिया, बट मेरे घर वालों ने फिर भी कहा इट्स नॉट अ फैमिली कार, तो हम इसे आपको नहीं दिलाएंगे, इसीलिए नहीं आता हूं। मैं इसको देखता हूं ना तो मेरे दिल में छेद होता है, बट अब जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, आज हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आ रहे हैं, इसका है सारा का सारा हुआ XUV 700, मैं आपको वो दिखा देता हूं। पहले अंदर शोरूम में जाता हूं, टेस्ट ड्राइव की बात करता हूं, जो लाइसेंस वाइसेंस देने होंगे, जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो देते हैं और वो करते हैं, फिर मैं आता हूं और फिर आपको गाड़ी अंदर से और बाहर से बताता हूं। बट पीछे थार देख रहे हो, अरे दिल पे लग रही है भाई, घर वालों ने दिलाई नहीं, बहुत ट्राई करी। तो गाइस जैसे ही हम आ चुके हैं अंदर, अभी मेरी जिनसे बात हुई है वो दीपिका जी हैं, वो आएंगे तो फिर हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, और वो अभी है नहीं, अभी तेरी उनसे बाहर बात हुई, कहा अंदर आ जाओ, पर अभी वो है नहीं है। तो भाई जैसे महिंद्रा शोरूम के अंदर बैठा हूँ, मेरे साथ दीपिका जी हैं, ये मतलब मेरे को बताएंगे सारी क्वेरीज जो भी हैं इसके बारे में। अभी तो उन्होंने मेरा फॉर्म डीएल लिया है और फॉर्म फिल कर रही है, और अभी उन्होंने बोला सर आप कब तक लेने की प्लान कर रहे हो, तो मैंने इनको बोला जवाब दिला दो, तो इन्होंने बोला सर अभी तो हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कब आएंगे, अभी तो गाड़ियाँ सिर्फ टेस्ट ड्राइव में और अंदर यहाँ पे शोरूम में अंदर जो है वही खड़ी है। आप देखते हैं टेस्ट ड्राइव करके आपको बताते हैं और ये भी दिखाते हैं हमें गाड़ी कब मिली। गाड़ी मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, पहली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने आया हूँ, उसमें उन्होंने मुझसे इतनी चीज़ें पूछी जैसे मेरे को लग रहा है मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने नहीं, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मतलब अभी अगर आप देखो ना तो ये सब कुछ जो फोन में जो भी रिफिल कर रही है, मतलब इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है गाड़ी लेने की, तो छोड़ो यहाँ पर तो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना ही इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब इतने क्वेश्चन पूछे सर आप कौन सी गाड़ी की यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आनंद महिंद्रा जी ऐसा क्या निकाल दिया है आपने, वो तो देखते हैं अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं तब पता चला है कि ऐसा क्या निकाला, पर जिस हिसाब से इसकी क्वारीज इसके लिए क्वारीज हो रही है वो भी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो कुछ तो अलग निकाला ही होगा।
अभी देखते हैं, हमें पता लगता है तो आपको भी दिखाते हैं। सारे के सारे ही बिजी हैं भाई, सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं और मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। मुझसे सारी क्वेरीज ले ली गई है, आप पता नहीं मेरे को लग रहा है ये अंदर मेरा रिज्यूमे दे कर जाएंगे, और अगर मैं फिर इनके टेस्ट ड्राइव के लिए एलिजिबल होता हूँ तो ये मुझे टेस्ट ड्राइव देंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं। गाइस पता है मेरे को नहीं पता कि ऐसा आनंद महिंद्रा जी ने क्या निकाल दिया है, अगर वो अगर सुन रहे हैं ना मेरी तो सुन लो, हमें भी बताना, कुछ तो होगा, मतलब मैं कोई ऐसी कोई चीज नहीं बोल रहा। पता है क्या हुआ, अंदर मैं गया, आज तक मैंने वैसे ज्यादा गाड़ियों टेस्ट ड्राइव ली नहीं, भगवान की कृपा से जो गाड़ी पसंद आई वो लेकर ही आए, इसकी टेस्ट ड्राइव इसलिए लेने आए क्योंकि बोलते हैं इसमें फीचर्स ज्यादा है। मैं अंदर गया, एक मैम थी जिनसे मेरी बात हुई, दीपिका जी, अगर वो मेरे ब्लॉग देख रही हो तो उनको भी मैं ये बोल दूं आप फेमस हो गई हो फ्री में, उसके लिए मुझे थैंक्स वैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं वहां गया हूँ, उन्होंने मुझसे इतने सवाल कर लिए कि जैसे मैं महिंद्रा के शोरूम में वो करने आया हूँ, जॉब का इंटरव्यू देने आया हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा महिंद्रा ने करे, इनका प्रोटोकॉल होगा, उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया सर इस टाइम आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, वेरिएंट कौन सा लोगे, ये लोगे ब्लो लोगे, मतलब ये पहली गाड़ अभी तक की ऐसी है ना जिसके सिर्फ मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए वेटिंग है भाई। तो अगर कोई अगला बंदा है और कोई वो सोच रहा है, अगर कोई सोच रहा है ना कि वो ले, तो भाई वेटिंग भी यहाँ बुक करा के आनी पड़ रही है, पता है आपको, वो तो मैंने रेंडमली कॉल कर दिया यहाँ पर, मतलब गाड़ी लेने की तो सोचो अभी महिंद्रा के शोरूम वालों को खुद नहीं पता कि उन्हें कब मिलेगी, पर गाड़ी लेने के लिए वेटिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, बात यह है कि यहाँ पर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए वेटिंग है भाई। अब टेस्ट ड्राइव के लिए वेटिंग है तो कुछ तो खुराफाती होगा ही होगा, और अब हम इसकी ड्राइव लेंगे ही लेंगे और आपको दिखाएंगे क्या होता है। बट फिर भी जो कुछ सोच रहा है लेने की किया है, तो पहले ही कि भाई ये चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसकी टेस्ट ड्राइव भी बुक हो रही है, तो पहले ही जिसी भी शोरूम पर जाऊं ना तो उनसे पहले पूछ लेना कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है। मुझसे पहले चार फैमिलियां बैठी हुई टेस्ट ड्राइव लेने के लिए और वो पिछले 3 दिन से आ रही है, उनको टेस्ट ड्राइव नहीं मिली है, अब आज देखते हैं अपने को मिलती है कि नहीं। ये देख लो हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल मिडनाइट ब्लैक में, और ये इसके रेंज ओवर वाले ब्लैक बिलार वाले हैंडल, और घुसते ही ऐसे आपके अंदर से सीट पीछे हो जाती है, ये हमारी सीट हो रही है पीछे। अब हम इस पे बैठ गए अंदर, इसका आपको इंटीरियर दिखा देते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली वो होगी, अब पूरी आगे जा रही है। तो गाइज ये आ चुके हैं हम अपनी महिंद्रा X7 00 के अंदर, अंदर से इंटीरियर आप देख लो कुछ ऐसा लगता है। और अगर ज़्यादा आप में से लोग बैठे नहीं होंगे तो ये जो ये फीचर दे रखा है ना सीट को एडजस्ट करने वाला, ये मेवैक में आता है, मर्सिडीज की मेवैक एस क्लास में ये फीचर है, उसके बाद ये आनंद महिंद्रा जी ने इस पे दे दिया है, यहीं से पीछे की ऐसे करके ये टिल्ट हो गया आपकी बैक, ये आगे सीट, आगे पीछे ऊपर इससे होगी, नीचे भी इससे होगी, मतलब वैसे तो अभी तक तो गरीबों की मर्सिडीज हुंडई को ही कहा जाता है, वही सबसे ज्यादा फीचर देती थी, उसके बाद अब आनंद महिंद्रा जी ने पुल टक्कर दी। और ये पीछे आप इसके मैं सनरूफ दिखा दूं, ये इसकी पूरी सनरूफ है, पैनामेरिक है, मतलब ये रेंज ओवर के हिसाब से देखा जाए तो रेंज ओवर विलार में भी ऐसी, विलार में तो नहीं आती, स्पोर्ट्स में ऐसी आती है और एंडेवर में आती थी, अब एंडेवर के बाद इसमें है। अब इसको चलाते हैं और आपको दिखा दिए, देख लो हम गाड़ी के अंदर है, पीछे अपनी दीपिका मैम, इनका मैं नाम भूल जाता हूँ, मतलब इन्होंने मेरे को दीपिका सॉरी इन्होंने मेरे को वो करा, और ये एक साथ अपने साथ ब्रदर हैं, हमें इस गाड़ी के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें। एसी अभी मेरे को लग रहा है सही चल नहीं रहा है, बट मेरे को गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये गाड़ी का अंदर से आप व्यू देख लो, ये गाड़ी का व्यू है पूरा का पूरा, ये महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज कर दिया है सारा का सारा, ये गियर बॉक्स है, मतलब अगर आप अंदर से बैठो तो X7 वाला बोल सकते हो इसको, गियर बॉक्स वो सब, बाकी आप वो बताए थे 360 कैमरे वाला, वो चीज़ें बताना। ये इसका 360 कैमरा आप देख लो, आगे का पीछे का हर तरफ का, यहाँ पे आप पैनल मोड पे क्लिक करोगे तो हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो गाड़ी अगर अंदर से देखी जाए, मैं जो प्लान करने की सोच रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी अब इसकी पावर वावर की थोड़ी चेकिंग करते हैं। मीटर देख लो मर्सिडीज़ वाला है, बिल्कुल डिजिटल मीटर है, RPM का भी है, डिजिटल है सारा का सारा। भाई जैसे हम अंदर बैठे हुए हैं तो मैं आपको वो जो इनका था, जो आजकल आप सबके वीडियोस में देख रहे होंगे, जो वो वीडियो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, वो तो यहाँ पर होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक पायलट स्मार्ट पायलट जो होता है वो आपको इसका वो करना पड़ता है एक्टिवेट, और उसके लिए वो ना हाईवे पे जाना होता है। और उसका अगर मैं आपको सीन वर्बली बता दूंगा तो वर्बली सीन उसका ये है कि जब आप हाईवे पे होते हो तो वो अपने आप ब्रेकिंग नहीं करेगा, जैसे होता है ना कुछ लोग ये सोच रहे हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ भाई महिंद्रा वालों को नुकसान मत कर देना, कहीं वो वीडियो देख के टेस्ट ड्राइव लेने चले जाओ और वहां पे तुम कुछ तूफानी करने लोगे और पता लगे गाड़ी की पुच्ची आगे वाले से करवा दो। वो सीन क्या है, उसमें गाड़ी बंद नहीं होती है, उसमें यह है कि सर्टन आप एक एरिया में आगे का वो टारगेट गाड़ी लॉक करती है, अपने आप हिसाब से वो लॉक कर देती है, और गाड़ी सर्टेन अमाउंट से मतलब वो रुक जाती है,
उसके लिए क्या है, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, तो वो हाईवे पे ही होगा, तो हम हाईवे पे तो है नहीं, बट मैं आपको उसका छोटा डेमो दिखा देता हूँ, उसका ऐसे दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, 60 से ऊपर जाने के बाद तो एक तो आपको ये लेन असिस्ट कर लेगा, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, 59M 60, ये देखो लेन असिस्ट आ गया, आपने स्पीडोमीटर में देखा। और अब उसके बाद जैसे ही मैं बम्पर टू बम्पर, अभी मेरे सामने गाड़ी में भी थोड़ा वो है, अब ये लेन असिस्ट मेरे को बता रहे, जैसे मैंने अपनी लेन से गलत हुआ तो इसे मेरे को बताया आप राइट पे ही रहो। अब जैसे सामने गाड़ी में जैसे इसके बम्पर टू बम्पर जाऊंगा ना, तो आप देखना वीडियो में शिवरिंग करना स्टार्ट कर देगा, शेयरिंग मतलब वो आपको बिवेयर कर देगा, जैसे अगर मेरा ध्यान यहाँ पे इस तरफ नहीं है ना तो बिवेयर करेगा। ये देखो ये बीच में भी सायरन बजा, आपको हैंडल की शिवरिंग दिखी कि नहीं दिखी वो मुझे नहीं पता, पर जब आप चलाओगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये आपको शिवरिंग करना, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना बंदा गाड़ी चला रहा होता है उसका ध्यान बाहर होता है, तो अगर आप बम्पर टू बम्पर किसी गाड़ी के और पास आ रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको गाड़ी बता देगी कि आपका टाइम आ रहा है, आगे देख लो घर जाना है ना कि नहीं जाना। जैसे अभी हमने अपनी XUV 700 की टेस्ट ड्राइव ले ली है, तो मैंने आपको गाड़ी अंदर से दिखा दी, सारे फीचर्स बता दिए, मतलब वही बात है गाड़ी बहुत हाई टेक बनाई है, जितनी आनंद महिंद्रा जी बना सकते थे ना उतनी बना दी, मतलब टीए तो नहीं बोल सकते, टेस्ला को टक्कर दे दी, बट हाँ मार्केट हिला देगी भाई गाड़ी, ये बात तो है जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, वही एक ना डायलॉग इंग्लिश में कहावत है मेरे, बहुत ही मतलब एक इंस्पिरेशनल, जिनको मैं समझता वो मानते थे कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो कुछ लोग जो नए नए जवान या फिर जो नए नए बड़े हुए होते हैं ना, वो आएंगे इस चीज़ों को देखने के लिए कि अबे भाई इसमें तो BMW वाली ये स्क्रीन है, एस क्लास वाले ये फंक्शन है, रिक्लाइनर्स वाले ये वो, जो भी है चलो ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। बाकी गाड़ी की मैंने आपको सारी इन्फो दे दी, थोड़ी मेन कीज की इन्फो मैं आपको दे देता हूँ। ये गाड़ी दो वेरिएंट में आएगी, एक आएगी 5 सीटर में, एक आएगी 7 सीटर में। अभी तो 5 सीटर का ही इनको पता है, जो गाड़ियां उसमें मॉडल में भी खड़ी हुई है, अंदर दिखाने के लिए डिस्प्ले में खड़ी हुई है और टेस्ट ड्राइव में खड़ी हुई है। 7 कब आएगी ये अभी ये कंपनी ने कोट किया है कि 7 सीटर भी हम देंगे। 7 सीटर भी जो आएगी वो ऊपर से खाली बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, जो इंजन कैपेसिटी इसमें है CC डीजल में वो ही सेम रहेगी 7 सीटर में, चाहे डीजल में हो चाहे पेट्रोल में हो। तो ये सारे जो की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे वो मैंने आपको बता, ठीक है ना। गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, बहुत आई कैचिंग लगी, बट बात ये है अभी उन्हें खुद नहीं पता है, महिंद्रा वालों को जो शोरूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे स्टाफ, उन्हें खुद नहीं पता है कि गाड़ी कब आएगी, कितनी इस पे वेटिंग होगी। बट फिर भी मैं जो अपने हिसाब से बुक तो मैं करा कर आ चुका हूँ सारा का सारा, मेरे को गाड़ी अच्छी लगी। बस ये था कि मतलब फीचर्स ही ज्यादा है, जिस हिसाब से अगर मैं जो अपने दिमाग में एक माइंड सेट करके चल रहा था एंडेवर को, तो एंडेवर के हिसाब से ना तो पावर है, वो तो नॉर्मल सी बात है, चीजें हैं वो आप कैलिबर इनका मैच कर ही नहीं सकते, कहां वो 38-40 लाख रुपीस की कार, कहां ये 18-19 लाख रुपीस की कार, पर चलो ठीक है जो भी हुआ। बाकी गाइस मैंने जैसे भी गाड़ी चलाते हुए भी आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, जैसे बहुत से लोग क्या इवनली मैं भी जो इस गाड़ी का जो टेस्ट ड्राइव जो मैं सोच के गया था वो मैं देखो फीचर्स, और आजकल हम क्या है कि क्या है, जैसे आजकल सबको ही पता है कि हाई टेक्नोलॉजी है, तो सारे के सारे फीचर्स मतलब जितना भी अगर आप चाहो ना तो आप इंटरनेट से इंटरनेट ही आपको सब कुछ बताते हैं। क्या है, मैं भी उसी एक फीचर के लिए लाइव एक्सपीरियंस करने गया था, तो उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि मतलब वहां के जो वर्कर्स थे मतलब जो असिस्ट कर रहे थे कि यार सर ये देखो, और मेरे मतलब थोड़े से वहां पे जान पहचान थे, पुराने लिंक थे, इनसे बहुत सी गाड़ियां ली, इनसे थार भी ली है, XUV भी ली है, तो मतलब ये अपने घर के आसपास का ही शोरूम है, यूज टू है, तो यहाँ के ज्यादा लोग मेरे को जानते ही हैं, यूज टू है मेरे साथ मतलब, और अच्छे से कॉपरेट करते हैं। तो कहने का उसमें मतलब ये था, उन्होंने मेरे को ये बताया कि अरे सर बहुत से लोग ना यही गलती करते हैं, वो जो कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं है, वो उनका स्मार्ट पायलट या ऑटो पायलट कुछ होता है, वो ऑन करना पड़ता है। और वो आप जब आप हाईवे में यू आर ड्राइविंग दैट कार ऑन हाईवे ना, तो एक सर्टेन गैप होता है, उसमें सामने वाला जब
ब्रेक मारेगा और उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो वो गाड़ी का जो अंदर का सिस्टम है वो अपने आप उस चीज को अडेप्ट करेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मारेगा। तो ये चीज मैंने आपको गाड़ी चलाते हुए भी बताई और मैं आपको फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई फाइनली गाड़ी बुक तो करवा कर आ गया, अब देखते हैं कब मिलती है, ठीक है ना। अब तो होप करता हूँ गाइस आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ओके गाइस, टाटा बाय बाय, सही हो नारा, टेक केयर।